Assalamu alaikum and welcome to second video lecture of social studies. I'm your social studies teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. In this video, I will describe two units, unit number 3, life in the desert, and unit number 4, life in the forest. Let's start. Unit number 3, life in the desert, page number 11. By the end of this lesson, students will be able to tell what is desert. Different types of deserts: tropical, continental, rain shadow, and coastal deserts. About climate, land, and temperature of deserts. Which type of plant can grow in the deserts? About human population of desert. Which types of animals can be found in desert? A country that lies almost entirely within a desert. When people think of a desert, they mostly think of a sandy, hot, and dry place. A desert is any large region that gets very little rain each year. Very few plants or animals live in desert areas. Desert is jagah ko kehte hain jahan barish bahut kam ho, wahan ki zameen bahut hi pathreeli aur retli ho, jahan pani na hone ke barabar ho, plants easily grow na kar paye, mausam bahut hi garm ho और वहां की लाइफ बहुत ही टफ हो. टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स. डेजर्ट्स आर क्लासिफाइड बाय देयर जियोग्राफिकल लोकेशन एंड डोमिनेंट वेदर पैटर्न. दुनिया में बहुत से डेजर्ट्स हैं. किसी डेजर्ट की जमीन पथरीली है तो किसी की रेतली. कहीं बहुत बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं तो कहीं मुख्तलिफ किस्म के पौधे. डेजर्ट्स को उनके डिफरेंट टाइप्स की लैंड, एनिमल्स एंड प्लांट्स की वजह से उन्हें डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. जैसे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स, रेन शैडो डेजर्ट्स एंड कोस्टल डेजर्ट्स. ट्रॉपिकल डेजर्ट्स. दीज डेजर्ट्स आर क्लोज टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. इन डेजर्ट्स का वेदर बहुत ही हॉट और ड्राई होता है. यहाँ बारिश ना होने के बराबर होती है. यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो भी खुश और गर्म होती हैं. ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की कुछ एग्जांपल सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट एंड कलहारी डेजर्ट हैं. सहारा डेजर्ट, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर शो हो रही है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सहारा डेजर्ट डिफरेंट कंट्रीज पर फैला हुआ है. ये टोटल 11 कंट्रीज में फैला हुआ है, जैसे इजिप्ट, अफ्रीका, लीबिया, सूडान वगैरह. अरेबियन डेजर्ट वेस्टर्न एशिया में पाया जाता है, जबकि कलहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका में पाया जाता है. कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स. दीज डेजर्ट्स आर इन द मिडल ऑफ अ कॉन्टिनेंट. Hot and dry winds blow there, and the winds do not bring rain clouds here. Continental deserts are famous for their mountains and rare animals. In deserts ka area bahut hi zyada hota hai. Isi wajah se continental deserts ko duniya ke bade bade deserts mein shamil kiya gaya hai. Yahan ka weather hot aur dry hota hai. Barish bahut hi kam hoti hai. और ये कॉन्टिनेंट के मिडल में पाए जाते हैं. जैसे गोबी डेजर्ट, ये चाइना कंट्री में पाया जाता है और एरिया के लिहाज से ये बहुत बड़ा डेजर्ट है जो कि कॉन्टिनेंट के मिडल में पाया जाता है. इसी वजह से गोबी डेजर्ट को कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स में शामिल किया गया है. कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स के कुछ और एग्जाम्पल हैं खिजलकम डेजर्ट एंड दश्ते लूत डेजर्ट. Rain shadow desert. In some places there are mountain ranges which block the winds that bring rain clouds. Rain fall on the one side but not on the other side, which is called the rain shadow area. The land here often gets so little rain that it becomes a desert. Students, जैसे कि आपको यहाँ पे picture show हो रही है, इस picture में अगर हम देखें तो यहाँ पर ocean है. Ocean से जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ साथ कुछ नमी भी लेकर आती हैं.
जब ये हवाएं ऊपर को उठती हैं तो बारिश बरसाने वाले बादल भी बनाती हैं। जब ये हवाएं मजीद यहाँ से आगे चलती हैं तो साथ साथ अपने बारिश बरसाने वाले बादल भी साथ साथ लेकर आती हैं। आगे जब मिड में माउंटेन्स आ जाते हैं तो बारिश यहीं पर सारी की सारी बारिश यहीं हो जाती है। इस एरिया में यहाँ पर सिर्फ बारिश होती है और यहाँ इस एरिया में बारिश नहीं होती। यहाँ बारिश ना होने की वजह से ये एरिया आहिस्ता आहिस्ता डेजर्ट में चेंज हो जाता है। इस तरह से इस एरिए को हम रेन शेडो एरिया कहते हैं, जो कि बाद में रेन शेडो डेजर्ट में चेंज हो जाता है। इसी वजह से रेन शेडो डेजर्ट इसे कहा जाता है। कोस्टल डेजर्ट्स, ये डेजर्ट्स ओशन के करीब होते हैं। वो लाइन जो ओशन को लैंड के साथ मिलाती है उसे कोस्ट लाइन कहते हैं, और वो डेजर्ट जो ओशन के करीब हों उसे कोस्टल डेजर्ट कहते हैं। अब इस ओशन से हवाएं तो चलती हैं और वो अपने साथ साथ नमी भी लेकर आती हैं, लेकिन वो बारिश बरसाने वाले बादल नहीं बनाती। यहाँ पर ज़्यादातर फोग रहती है और मौसम ज़्यादातर ड्राई रहता है। मुसलसल बारिश ना होने की वजह से और यहाँ ज़्यादातर फोग रहने की वजह से यहाँ बारिश नहीं होती और ये लैंड आहिस्ता आहिस्ता डेजर्ट में चेंज हो जाती है। अमूमन यहाँ पर टेम्परेचर 9 डिग्री से 20 डिग्री तक रहता है, लेकिन जब यहाँ पर समर सीजन स्टार्ट होता है तो दिन के वक्त यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री से अबव भी हो सकता है और रात के वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो सकती है। ये डेजर्ट्स दुनिया के दूसरे बड़े डेजर्ट्स में शामिल हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग आकर नहीं आबाद होते। कोस्टल डेजर्ट में नमीब डेजर्ट शामिल है जो कि नमीबिया में पाया जाता है। इसी तरह से ये डेजर्ट भी ओशन के करीब है और यहाँ पर भी ज़्यादा फोग रहती है और बारिश ना होने की वजह से ये लैंड आहिस्ता आहिस्ता डेजर्ट में चेंज हो गई, जिसकी वजह से इसे कोस्टल डेजर्ट का नाम दिया गया। लैंड एंड वेजिटेशन, डिफरेंट डेजर्ट्स की डिफरेंट टाइप की लैंड होती है। कहीं माउंटेन, कहीं पे सैंड और कहीं पर रॉक्स होते हैं। इसी तरह से डेजर्ट्स में प्लांट भी इजीली ग्रो नहीं करते। यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनमें खास बात ये होती है कि वो अपने अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ कभी कभार बारिश होती है तो ये पानी को फौरन अंदर अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। इनके ऊपर ज़्यादातर लीव्स नहीं लगे होते। इनकी जो अपर सरफेस होती है उस पर कांटे लगे होते हैं जो कि इन्हें जंगली जानवरों से महफूज रखते हैं। एनिमल्स एंड पीपल, डेजर्ट्स में भी ड्राई एंड अनवेलकमिंग बट दे आर नॉट विदाउट एनिमल लाइफ। देर आर मैनी एनिमल्स ऑल्सो लाइक लिजर्ड, स्नेक्स, स्कॉर्पियन, फॉक्सेस एंड कैमल। कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन ट्रेवल फॉर मैनी मील्स अक्रॉस द सैंड। इट कैन स्टोर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, so it doesn't need to drink often. People, the human population of desert regions is very low. The harsh climate, lack of vegetation and water, and the mostly undeveloped land do not attract people to settle there. Deserts में ज़्यादातर लोग आबाद नहीं होते। यहाँ के dry land की वजह से, मौसम बहुत गर्म होने की वजह से यहाँ पर ज्यादातर लोग आकर आबाद नहीं होते। अ डेजर्ट कंट्री, सऊदी अरेबिया इज अ कंट्री दैट लाइज ऑलमोस्ट इंटायरली विद इन अ डेजर्ट। टुडे इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट। दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज इन सऊदी अरेबिया एज इन मैनी अदर डेजर्ट कंट्रीज दे आर वास्ट अमाउंट्स ऑफ ऑयल। Oil is the source of energy for industry, transport and power. Everyone needs oil.
सऊदी अरेबिया सेल्स इट्स ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड विद द मनी इट गेट्स इट इज एबल टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ इट्स पीपल. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड. डेजर्ट्स, डेजर्ट ऐसी जगह को कहते हैं जहां का वेदर बहुत ही गर्म हो, बहुत ही खुश्क हो, जमीन बहुत ही ड्राई हो, वहां पे प्लांट्स ग्रो ना कर सकें और वहां की लाइफ बहुत ही टफ हो. डेजर्ट्स को उनके वेदर, उनकी लैंड, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल और प्लांट्स की वजह से उन्हें डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे ट्रॉपिकल डेजर्ट, कॉन्टिनेंटल, रेन शैडो एंड कोस्टल डेजर्ट्स. इन डेजर्ट्स में कहीं पर बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं तो कहीं मुख्तलिफ किस्म के पौधे. कहीं की ज़मीन पथरीली है तो किसी डेजर्ट की ज़मीन रेतली है. कहीं पे बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं. इस तरह से इन डेजर्ट्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. डेजर्ट्स में बहुत से एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे लिजर्ट्स, स्नेक्स, स्कॉर्पियन, और वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पौधे भी होते हैं. यहाँ पर ज़्यादातर लोग आबाद नहीं होते यहाँ के हार्श क्लाइमेट की वजह से. यहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, इस वजह से डेजर्ट्स में ज़्यादातर लोग आबाद नहीं होते. यहाँ की अगर आबादी है तो बहुत ही कम है. बुकवर्क पेज नंबर 15 पार्ट ए. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका आपने मीनिंग फाइंड आउट करना है और उसको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट वर्ड है बेडविन, अ मेंबर ऑफ अ रैप ट्राइब. इसी तरह से आपने सारे मीनिंग्स अपनी डिक्शनरी से फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पर सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ से अपने आंसर्स को टैली करना है. पार्ट बी, राइट द वर्ड्स बिलो इन द एप्रोप्रिएट कॉलम. बुक में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि उसको उसके कॉलम में लिखें. अब नीचे इस तरह से आपको कॉलम भी दिया गया है. अब आपने देखना है कि कौन सा वर्ड किस कॉलम में आता है. अब क्लाइमेट, लैंड, वेजिटेशन और एनिमल्स, ये 4 टोटल कॉलम्स हैं. आपने एनिमल्स को एनिमल्स के कॉलम में लिखना है, वेजिटेशन को वेजिटेशन के कॉलम में, लैंड को लैंड के कॉलम में और क्लाइमेट को क्लाइमेट के कॉलम में लिखना है. इसे खुद सॉल्व करना है और बाद में अपने आंसर्स को यहां से टैली करना है. लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 4, लाइफ इन द फॉरेस्ट, पेज नंबर 16. बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेल व्हाट इज फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट. In which countries these forests can be found? About weather of these forests. Which type of plants and animals can be found there? Forest, ऐसी जमीन या जगह को कहते हैं जहां बहुत से दरख्त पाए जाते हों. जानवरों और परिंदों को रहने के लिए इन फॉरेस्ट की जरूरत होती है. ये जंगलात ना सिर्फ पौधों और जानवरों के लिए जरूरी हैं, बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत से फायदेमंद हैं. जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे ही इंसानों ने अपने रहने की जगह बनाने के लिए इन ट्रीज को कट किया, लैंड को क्लीन किया और यहाँ अपने रहने की जगह बनाई. अब दुनिया में बहुत ही कम जंगलात रह गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम 2 तरह के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज में पाए जाते हैं, जैसे कोलंबिया, ब्राजील. ये अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी पाए जाते हैं. इन एरियाज को वेट लैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है.
एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ बारिश 200 से 250 सेंटीमीटर्स तक होती है और एक दिन में इससे भी ज्यादा बारिश हो सकती है। दीज फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स एंड आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। यहाँ के ट्रीज बहुत ही लंबे होते हैं। इन फॉरेस्ट में ज्यादातर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो मेडिसिन्स में यूज होते हैं। ये फॉरेस्ट जानवरों के लिए बेहतरीन घर साबित होते हैं। यहाँ लाखों की तादाद में छोटे बड़े इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। परिंदे और बड़े बड़े जानवर भी इन फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, जैसे एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, और यहाँ बहुत से क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स भी पाए जाते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में टू टाइप्स के फॉरेस्ट शामिल हैं, कॉनिफर्स एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। यहाँ का टेम्परेचर काफी हार्श होता है। सर्दी बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्लांट्स इजीली ग्रो नहीं कर पाते। अल्पाइन फॉरेस्ट के ट्रीज ज्यादा लंबे नहीं होते, जबकि कॉनिफर्स ट्रीज काफी लंबे होते हैं। कॉनिफर्स ट्रीज में खास बात यह होती है कि एवरग्रीन होते हैं और ये कभी भी येलो नहीं होते, जबकि अल्पाइन ट्रीज में ये खासियत नहीं होती। बहुत ज्यादा सर्दी होने के बावजूद यहाँ पर बहुत से जानवर भी पाए जाते हैं जो अपने फर की वजह से काफी फेमस हैं। इनमें वुल्व्स, मोस, डेयर शामिल हैं। ये ट्रीज पहाड़ी इलाकों में होते हैं। इनकी जड़ें बहुत स्ट्रॉन्ग और डीप होती हैं, जो इन ट्रीज को गिरने से बचाती हैं और इन्हें सपोर्ट करती हैं। यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो और टफ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बहुत से जानवर पाए जाते हैं, जैसे बियर्स, वुल्व्स, मूस एंड डेयर्स। ये जानवर अपने फर की वजह से काफी फेमस हैं और इन्हें इनके फर की वजह से शिकार भी किया जाता था, लेकिन अब इनके शिकार करने पर पाबंदी लगा दी गई है। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड। फॉरेस्ट। दुनिया में बहुत से जंगलात पाए जाते हैं। जंगलात उस जगह को कहते हैं जहां बहुत ज्यादा ट्रीज हों और वो जानवरों और परिंदों का घर भी हो। ये ट्रीज ना सिर्फ जानवरों और परिंदों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। इन फॉरेस्ट में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट शामिल हैं। ये दोनों फॉरेस्ट क्लाइमेट के लिहाज से डिफरेंट हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सनशाइन बहुत होता है और वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, जबकि टेम्परेट फॉरेस्ट में बारिश नहीं होती बल्कि वहां सर्दी बहुत ज्यादा होती है और सर्दी ज्यादा होने की वजह से यहाँ के ट्रीज, यहाँ के प्लांट्स इजीली ग्रो नहीं करते, जबकि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में बारिश की वजह से प्लांट्स और ट्रीज काफी अच्छे से ग्रो करते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं, स्पीशीज पाई जाती हैं, इंसेक्ट्स और बर्ड्स मिलते हैं। बुकवर्क पेज नंबर 20, पार्ट ए। सर्कल द थिंग्स फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट विद ग्रीन इंक एंड दोज इन टेम्परेट फॉरेस्ट विद ब्लू इंक। यहाँ आपको कुछ डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं और आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये डिस्क्रिप्शंस टेम्परेट फॉरेस्ट की हैं या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की हैं। अगर तो ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की हैं तो आपने इनको ग्रीन से मार्क करना है, और अगर ये टेम्परेट फॉरेस्ट की हैं तो आपने इनको ब्लू से मार्क करना है। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे और बाद में अपने आंसर्स को टैली करेंगे। पार्ट बी, कंप्लीट दी सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, ट्रीज इन अल्पाइन फॉरेस्ट डू नॉट ग्रो वेरी टॉल बिकॉज बिकॉज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट।
सेम इसी तरह आपने ये सारी लाइंस रीड आउट करनी है, इसे खुद सॉल्व करना है और बाद में आपने यहां से अपने आंसर्स को टैली करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।